गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, कल आप लोग मैसेज कर रहे थे कि आपको फर्स्ट रिएक्शन समझ में नहीं आई थी। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी कल, उसमें आप लोगों ने बोला कि आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन समझ में नहीं आई। फिर काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि आप तो हमारा रिप्लाई नहीं देते हो या आप वापस रिपीट नहीं करते हो। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, क्या है, मेरे को अभी तक लाइव बटन नहीं मिला है, यानी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। ये जो आपको मिल रहा है वो रिकॉर्डेड ही मिल रहा है, लाइव नहीं है। आप लाइव ना समझें इसे। ये क्या होता है, प्रीमियर होता है, यानी मैंने जो वीडियो बना दिया, अब मैंने क्या कर दिया, उसे प्रीमियर कर दिया, यानी आपको तो लगेगा वो लाइव है जबकि वो एक्चुअल में लाइव नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपको फिर साथ में लिखना पड़ेगा कि हमें ये समझ में नहीं आया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। लाइव ऑप्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लाइव का ही वेट कर रहे हैं। बस आप थोड़ा और सपोर्ट करिए, जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अपना चैनल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिलेगी, लाइव की मिलेगी और कम्युनिटी टैब की मिलेगी। आपको पता रहेगा कि मतलब कब क्लासेज हो रही है, क्या हो रही है, तो वो सब आपकी वजह से होगा। मुझे लाइव नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ अपनी वजह से ही है, क्योंकि अपन सब लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्यों चैनल को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बस एक बार लाइव मिल जाए तो अच्छा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए, मैंने बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया कि आपको समझ में नहीं आया। देखिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी वहाँ पे हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। ये आप लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है, O2 का जुड़ना। क्या मतलब होता है, O2 का जुड़ना, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एल्केन में O2 को ऐड करेंगे। तो हम क्या लेते हैं, एल्केन लेते हैं, एल्केन के साथ क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो ये होगी रिएक्शन। अब ये ऑक्सीजन इस एल्केन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी, ये हम टेंथ से ही जानते हैं कि जब एल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। सबसे पहले आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसे आप फटाफट से दिमाग में बिठा लीजिए। एल्केन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 देगा और H2O देगा। अब एल्केन आप लोग जानते हैं, मान लीजिए CH4 हो गया, क्या हो गया, CH4। देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने मेथेन लिया है, आप एथेन ले सकते हो, प्रोपेन ले सकते हो, ब्यूटेन ले सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे सी था, यहाँ पे एच है, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, और फिर हमने ऑक्सीजन जोड़ दी। तो देखिए, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, CO2। समझ में आ गया आपको, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, H2O। आ गया समझ में। अब देखिए, पूरी की पूरी बात किसके ऊपर निर्भर है कि CO2 और H2O बनेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि कार्बन तो हमने फिक्स ले रखा है, मान लीजिए मेथेन लिया है तो मेथेन में एक कार्बन है और हाइड्रोजन मेथेन में कितने होते हैं, 4, तो ये तो फिक्स है। अब हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी है वो हमें सीखना है, क्योंकि देखिए कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो CO2 बनेगा, और इस हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ेगी जब H2O बनेगा। यानी हमें इस ऑक्सीजन का ध्यान रखना है कि हमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन लेनी है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया तो अभी आप कमेंट में लिख दीजिए, हाँ ये वाला समझ में आ गया, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में और इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना जरूरी है, एल्केन लिया, ऑक्सीजन ऐड करी तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। ये टेंथ की है रिएक्शन, तो ये आपको आ गई। अब बात आती है कि ये ऑक्सीजन हम कितनी लें, क्या 1 मोल लें, क्या 2 मोल लें, क्या 3 मोल लें, या 4 मोल लें। तो इस ऑक्सीजन को हमें कितना लेना है उसका फॉर्मूला ये रहा, हमें कितनी ऑक्सीजन लेनी है,
3n+1/2 इतनी हमें क्या लेनी है ऑक्सीजन, ये तो क्या है ऑक्सीजन, जबकि फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला 3n+1/2। अब देखिए ये n क्या है, ये n क्या है, ये n है कार्बन नंबर, क्या है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, समझ में आ गया। जैसे देखिए मैंने आपको ये देखिए इस पे, ये तो आप जानते हैं क्या है, ये एल्केन ही तो है, CnH2n+2 मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये है क्या एल्केन है, CH4 ले लीजिए या आप कोई सा भी एल्केन ले लीजिए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले सकते हैं, ये एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, तो ये एल्केन ली, ये वाली ऑक्सीजन ये वाली ले ली। अब ऑक्सीजन कितनी लेनी है वो इस फॉर्मूले से हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए एन की वैल्यू आपको पता लग जाएगी तो आपको ऑक्सीजन भी पता लग जाएगा कितना लेना है। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी लेंगे, जितना कार्बन होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CH4, बताइए कितना कार्बन है इसमें, जल्दी से बताइए, एक कार्बन ही तो है ये, कितना कार्बन है ये, एक ही कार्बन है, तो आप इस एन की जगह कितना लिखोगे, एक लिखिए, इस एन की जगह एक, देखिए 3n+1 एज इट इज लिख दो, अपॉन में 2 एज इट इज लिख दो, ये लिख दिया, लिख दिया। अब देखिए सॉल्व करो इसे, 3 × 1 कितना होता है 3+1/2, लिख दिया, 3+1 कितना होता है 4 4/2, 4 × 2 का भाग दोगे कितना आएगा 2, यानी हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इस पूरे से हमारा आंसर क्या आया 2, तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे 2, यानी हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, कितनी चाहिए 2 मोल ऑक्सीजन। तो हम अब क्या लिखेंगे, हमने CH4 एग्जांपल लिया है, क्या लिया है CH4, क्या लिया है हमने CH4 लिया है, तो देखिए CH4 के लिए हमने ऑक्सीजन निकाली है, कितनी आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो CH4 के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है 2 मोल की, कितने की 2, तो आप लोग यहाँ पे 2 लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ तक की हमने बात कर ली, यहाँ तक की हमने बात, देखो मैं CH4 को थोड़ा सही से लिख दूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है CH4, आ गया समझ में, और ये 2 ऑक्सीजन, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात ही आती है कि इन दोनों ने रिएक्शन करी तो CO2 कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए CO2 उतनी ही बनती है जितना कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या है, CO2 के अंदर क्या है, कार्बन की संख्या है, यानी जितना कार्बन अपन यहाँ पर ले रहे हैं ना उतनी ही CO2 इस साइड में बनेगी। अब बताइए, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जितना कार्बन आप लेओगे उतनी ही CO2 बनेगी। देखिए CH4 में कितना कार्बन है, एक ही C है, मतलब एक ही कार्बन है, तो CO2 भी कितनी बनेगी 1 मोल, तो इसके आगे 1 लिखूं या नहीं लिखूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके आगे 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, तो ये क्या है 1 मोल CO2 है। फिर बात आती है H2O कितना बनेगा, तो H2O बनेगा n+1, कितना बनेगा n+1, n क्या है कार्बन की संख्या है, और कार्बन कितना है 1 है, तो देखिए 1 कार्बन और 1 ये साथ में ऐड करा हुआ है, तो n कितना है 1+1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब वाटर कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, तो 2 मोल बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की, हमने ये एग्जांपल लिया है मेथेन का, किसका एग्जांपल लिया है मेथेन का, तो आप इस मेथेन की जगह कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिया C2H6, क्या दिया C2H6 क्या है, ये एल्केन है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि इसका ऑक्सीडेशन करवाइए, क्या करवाइए ऑक्सीडेशन करवाइए, और बताइए CO2 कितनी बनेगी, और ये भी बताइए H2O कितना बनेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, क्या 1 मोल, क्या 2 मोल, क्या 3 मोल। देखिए ऑक्सीजन कितनी बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो रहा
थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। CO2 कितनी बनेगी, जितना N है उतना, और H2O कितना बनेगा, N प्लस वन बनेगा। आगे बात समझ में, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, N निकालना है। क्या निकालना है, N निकालना है। N कितना है, देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, दो दो कार्बन है, तो N कितना हो गया, दो हो गया। तो आप यहाँ पे बताइए, देखिए थ्री इंटू एन की जगह कितना रखना है, दो प्लस वन अपॉन में टू। थ्री इंटू टू कितना होता है, सिक्स। सिक्स प्लस वन कितना होता है, सेवन। सेवन बाई टू। तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, सेवन बाई टू। कितनी ऑक्सीजन चाहिए, सेवन बाई टू ओ टू। फिर है कि सी ओ टू कितनी बनेगी, जितना कार्बन उतनी सी ओ टू। कार्बन कितना है, दो, तो सी ओ टू भी कितनी बनेगी, दो सी ओ टू। फिर है एच टू ओ, एच टू एन प्लस वन। एन कितना है, दो, और एन प्लस वन, दो और एक तीन, तो एच टू ओ कितना बनेगा, थ्री एच टू ओ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार ये वाला मैं फिर से बता दूं, नहीं दिखा हो तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, एल्केन ऑक्सीजन आया, सीधा पता करना है क्या बनेगा, सी ओ टू एच टू। फिर पता करना है कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, तो ऑक्सीजन कितना लेना है, तो थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बनेगा। कितना सी ओ टू कितना बनेगा, जितना कार्बन है उतना एन सी ओ टू, और एच टू ओ कितना बनेगा, एन प्लस वन एच टू ओ। आई बात समझ में, इम्पोर्टेंट बात क्या है, एन निकालना, और एन क्या है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, दो है, तो दो लिख दीजिए आप, तो सात बटे दो ओ टू आपको क्या यहाँ पे चाहिए, सात बटे दो ओ टू। बनेगी कितनी सी ओ टू, दो सी ओ टू, और बनेगा कितना वाटर, थ्री एच टू ओ। तो ये है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब आप यहाँ पे सी थ्री भी ले सकते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। यहाँ पे आप थ्री रख सकते हैं, यहाँ पे आप थ्री रख सकते हैं, यहाँ पे आप थ्री और वन करके फोर, और इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ये ले ली, हमने ऑक्सीजन ये ले ली, बट ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाए तो क्या होगा। देखिए हमने क्या बोला है, सी एच फोर जब दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब हमें सी ओ टू मिलती है। और मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन दो है ही नहीं, आपके पास ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या सी ओ टू बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो आप सब लोग जानते हैं जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो वहाँ पर सी ओ टू कभी नहीं बनता है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इसके बाद कहेंगे कि ये रिएक्शन क्या है। अब हम इसके बाद कहेंगे कि ये मैंने क्या लिखा है बीच में, ये हमें समझना है। देखिए पहले आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो आप लोग मेरे से इतना सब कुछ सीख रहे हो उसकी जो वजह है वो मैं भी हूँ, और मेरा छोटा जो ब्रदर है वो भी है। मेरा रियल ब्रदर नहीं है बट वो रियल ब्रदर जैसा ही है, तो प्लीज़ आप लोग उसकी हेल्प करिएगा। उसका भी एक चैनल है, तो मैंने उस चैनल को ऐड भी कर रखा है, और आपको उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि उसके बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो उसे अच्छा लगेगा, और वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को एडिटिंग नहीं आती, मेरे को वीडियो अपलोड करना नहीं आता, जो कमेंट वगैरह सब कुछ वही करता है। तो प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करना, मैंने तो सिर्फ आपको पढ़ाया है, जितनी भी मेहनत है पूरे दिन लगा रहता है वो, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करना उसे। उसके बिना वीडियो बनाना भी मुश्किल है, लाइट सेटअप बोर्ड सब कुछ उसने कर रखा है, कैसे कैमरे को सेट करना है। मेरे पास ना ट्राईपोड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे जुगाड़ करके मैंने बुक्स लगा के चेयर पे कैमरे को सामने रखा है, कैमरा नहीं सॉरी फ़ोन को सामने रखा है। फ़ोन कभी गिरता है, दो बार फ़ोन गिर गया, फ़ोन टूट गया, इसीलिए कैमरा ख़राब हो गया था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, फिर भी उसने कैसे जैसे तैसे करके सेट कराया सब कुछ। तो प्लीज़ यार आप लोग उसे सपोर्ट करना। तो देखिए चलते हैं हम, देखिए ये वाली रिएक्शन देखनी है, कहाँ पे थे हम कि
ऑक्सीजन अगर हमारे पास पूरी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गई, कम पड़ गई। ऑक्सीजन जब कम पड़ेगी तो कभी भी CO2 नहीं बनेगी, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या है ये इम्पोर्टेंट? अब देखिए क्या होता है, हमने तो लिया मेथेन ही लिया है, जैसे हमने यहाँ लिया था वैसा का वैसा हमने यहाँ लिया है। हमने ऑक्सीजन यहाँ ली थी वैसी की वैसी हमने ऑक्सीजन यहाँ ली है। अब देखिए क्या होता है, हमने यहाँ पे मेथेन एक ना लेके दो दो मेथेन लिए हैं। कितने मेथेन लिए हैं? दो मेथेन ले लिए, और फिर हमने साथ में तीन ऑक्सीजन ले ली, तीन मोल O2 ले ली। फिर हमने रिएक्शन करवाई तो हमने देखा कि यहाँ पे तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई और 4H2O बन गया। ये कैसे हो गया? तो इसे आप लोगों को समझना है। देखिए क्या होता है, हमने दो मोल मेथेन ली जबकि हमने यहाँ पे एक मोल मेथेन ली। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, जब हम एक मोल मेथेन लेते हैं तो दो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? दो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक के लिए दो ऑक्सीजन तो दो मोल के लिए चार ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? एक मोल मेथेन ली जब हमें दो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, जब हम दो मेथेन लेंगे तो हमें चार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सब जानते हैं हम। तो हमने दो ली है मेथेन तो हमें कितनी थी जरूरत? चार ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी? चार ऑक्सीजन की। बट यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? तीन मोल ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब इस मेथेन को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली है, इससे थोड़ी कम मिली है। होनी तो कितनी चाहिए थी? चार, बट मिली कितनी है? तीन। इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो CO2 की जगह क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? वही जितना यहाँ पे हम मोल लेंगे उतना ही क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। दो मोल लिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कितनी बनी? दो मोल ही बनी, और साथ में क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई। कमी हुई मतलब यहाँ पे अधूरी रह गई अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अधूरी रह गई। इसका मतलब इसे हम क्या बोल देंगे? अपूर्ण ऑक्सीकरण या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या अपूर्ण ऑक्सीकरण। आ गया समझ में? अपूर्ण ऑक्सीकरण क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की कमी रह गई। ऑक्सीजन की कमी रही तो CO2 की जगह CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और कैसे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए बच्चों, आज हम ये लेक्चर यहीं तक रखेंगे। कल के लेक्चर में हम एल्किन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने एल्किन स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो अधूरा सा हो जाएगा कि पहले तो ऑक्सीडेशन आ गया और उसके बाद में एकदम से एल्किन आ गया, तो काफ़ी जो बच्चे नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब नया ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल। तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपने चैनल को इनक्रीज़ करते रहिएगा। थैंक यू।